बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की मॉडिफिकेशन में तीन इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। नंबर वन इज़ एडिशन ऑफ अ कैप, नंबर टू इज़ एडिशन ऑफ अ टेल, एंड नंबर थ्री इज़ स्प्लाइसिंग। वन बाय वन हम तीनों प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे विच आर इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। जब भी हमारे पास डीएनए होगा, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बनेगा। सो फर्स्ट विल बी प्री मैसेंजर आरएनए, और प्री मैसेंजर आरएनए की फर्दर मॉडिफिकेशन से हमारे पास एक एक्टिव मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होगा। तो प्री मैसेंजर आरएनए की एडिशन ऑफ कैप में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैप होती क्या है। तो इस केस में जो हमारे पास कैप है, दैट इज 7-मिथाइल गवानोसिन। अगर हम कैप की बायोकेमिस्ट्री देखें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, नंबर वन इज गवानोसिन, नंबर टू इज मिथाइल। तो सबसे पहले हम गवानोसिन का सोर्स देखेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो कैप की एडिशन होगी दैट विल बी ऑन 5' एंड। ये हमारे पास एक आरएनए है, प्री मैसेंजर आरएनए, तो इसके 5' एंड पर कैप की एडिशन होगी। इसके अलावा जो हमारे पास 7-मिथाइल गवानोसिन एज आ कैप अटैच होगी, इसमें गवानोसिन हम जीएमपी से लेंगे। जीएमपी इज गवानोसिन मोनोफास्फेट, और इसमें जो इंजाइम यूटिलाइज करेंगे दैट विल बी गवानोलिल ट्रांसफिरेज। तो ये इंजाइम जीएमपी से गवानोसिन लेगा और इस 5' एंड पर ऐड कर देगा। अब गवानोसिन हमने ऐड कर दिए, बाकी बच गई मिथाइल। तो मिथाइल के लिए जो हमारा मिथाइल का सोर्स होगा दैट विल बी एस एडिनिल एडिनाइल मिथियोनिन, इसे हम सिंपली सैम भी कहते हैं। सो एस एडिनिल मिथियोनिन से हम एक मिथाइल लेंगे, और इस मिथाइल को इस 5' एंड पे मौजूद गवानिन के साथ ऐड कर देंगे, और अल्टीमेटली हमारे पास 7-मिथाइल गवानोसिन बन जाएगी। इस तरह हमारे पास 5' एंड पर एक कैप आ गई है। कैप की इम्पोर्टेंस ये है कि ये आरएनए को स्टेबिलिटी देगा और इसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। अब हम बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ टेल की। तो टेल में हम सबसे पहले देखते हैं कि टेल है क्या। तो टेल एक पॉली ए टेल होगा, यानी एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड का एक लॉन्ग सीक्वेंस होगा। ये यूजुअली 22-240 एडिनोसिन का एक सीक्वेंस होगा, और इसकी एडिशन होगी मैसेंजर आरएनए पर 3' एंड पर। तो जो हमारा मैसेंजर आरएनए है, इसका 3' एंड टेल के तौर पे बिहेव करेगा, और 5' एंड हेड के कैप के तौर पे बिहेव करेगा। सो टेल की एडिशन 3' एंड पे होगी, और टेल केमिकली 22-240 एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होगा, जिसे हम पॉली ए टेल कहेंगे। और इसकी एडिशन के लिए जो हम एंजाइम यूटिलाइज करते हैं, दैट इज पॉली एडिनाइलेट पॉलीमरेज। सो ये वो एंजाइम है जो कि इस टेल की एडिशन करेगा एट 3' एंड। और इसकी इंपॉर्टेंस भी यही है कि ये आरएनए को स्टेबिलिटी देगा, नंबर वन। नंबर टू, इट हेल्प्स इन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद हम सप्लाइसिंग को डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस स्प्लाइसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। स्प्लाइसिंग सबसे पहले है क्या? तो हमारा जो आरएनए सेगमेंट है, आरएनए सेगमेंट में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, नंबर वन इज इंट्रॉन एंड नंबर टू इज एग्जॉन। अगर ये हमारे पास एक आरएनए सेगमेंट है, दिस इज इट्स 5' एंड एंड दिस इज इट्स 3' एंड, तो इसका ये वाला सेगमेंट एग्जॉन होगा, ये वाला सेगमेंट इंट्रॉन होगा, और ये सेगमेंट फिर एग्जॉन होगा। इस आरएनए के सेगमेंट में जो एग्जॉन वाले सेगमेंट्स होंगे, इनका काम होगा आगे फर्दर ट्रांसलेशन करवाना, जिसके थ्रू प्रोटीन्स बनेंगे, जबकि इस इंट्रॉन के सेगमेंट को हम रिमूव कर देंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की स्प्लाइसिंग के लिए हमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें रिक्वायर होती हैं, जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो नंबर वन इज आवर यूरासिल रिच स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये यूरासिल रिच स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन की ट्रांसलेशन से स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स बनते हैं, इन्हें हम सिंपली स्नर्प भी कहते हैं। सो दीज प्रोटीन्स विच आर स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स
हेल्प इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ स्प्लाइसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो ये एक तरह से हमारे एंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं। इनके डिफरेंट टाइप्स हैं विच इंक्लूड U1, U2, U3, U5 एंड U6। सो ये डिफरेंट स्मॉल न्यूक्लियो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है जो कि स्प्लाइसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए में कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हमें इस प्रोसेस में एटीपी भी रिक्वायर होती है और हम इनकी मदद से आरएनए की स्प्लाइस। सो नाउ वी विल डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की हम बात करेंगे उससे पहले हम एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज आवर एक्सॉन, दिस इज आवर इंट्रॉन सेगमेंट एंड दिस इज आवर अगेन एक्सॉन सिस्टम। सो एक्सॉन इंट्रॉन एंड एक्सॉन, ये हमारा पूरा आरएनए का सेगमेंट है जिसका ये वाला सेगमेंट एक्सॉन है, ये वाला सेगमेंट इंट्रॉन है और ये वाला सेगमेंट अगेन एक्सॉन है। इसका ये 5' एंड है और ये 3' एंड है। इस लिहाज से एक्सॉन का ये वाला एंड 3' एंड होगा, इंट्रॉन का ये वाला एंड 5' एंड होगा और ये वाला 3' एंड। इसी तरह एक्सॉन का ये वाला 5' एंड होगा और ये वाला 3' एंड होगा। ये कंप्लीट कंटिन्यूस सेगमेंट है लेकिन इनको समझाने के लिए मैंने अलहदा अलहदा बनाया है। दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब होगा क्या, मैकेनिज्म में ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब है कि जो एस्टर बॉन्ड्स न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान मौजूद हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जो बॉन्ड एक्सॉन और इंट्रॉन के दरमियान मौजूद हैं वो ट्रांसफ़र होकर एक्सॉन और एक्सॉन के दरमियान चले जाएंगे और इंट्रॉन्स के दरमियान एक और डाईएस्टर बॉन्ड बन जाएगा। इधर हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है यहाँ मौजूद एडिनिन न्यूक्लियोटाइड। एडिनिन न्यूक्लियोटाइड पर यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा 2' पोजीशन पे और ये बीच वाला जो न्यूक्लियोटाइड है दिस इज़ एडिनिन न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह इस इंट्रॉन के इस सेगमेंट पे GC न्यूक्लियोटाइड होता है और इस सेगमेंट पे हमेशा AG न्यूक्लियोटाइड होगा। सो ये तीन बातें हर आरएनए के लिए सेम है। कोई भी आरएनए का सेगमेंट होगा जिसकी स्प्लाइसिंग होनी है तो उसके इंट्रॉन के सेगमेंट में बीच में एडिनिन न्यूक्लियोटाइड होगा, 5' एंड पर GC न्यूक्लियोटाइड होंगे और 3' एंड पर AG न्यूक्लियोटाइड मौजूद होंगे। अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। सो अगेन दिस इज़ आवर एक्सॉन, दिस इज़ आवर इंट्रॉन एंड दिस इज़ आवर अगेन एक्सॉन, 5' एंड 3' एंड। तो दो तरह के अटैकिंग रिएक्शन होंगे। जो हमारे अटैक करने वाले कंपोनेंट होंगे वो होंगे ये एडिनिन न्यूक्लियोटाइड। ये एडिनिन न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा कि ये इधर जाकर अटैक करेगा इंट्रॉन के 5' एंड पर और इसके साथ एक डाईएस्टर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। इसी तरह एक्सॉन का ये 3' एंड ये जाकर दूसरे एक्सॉन के 5' एंड पर अटैक करेगा और इसके साथ फास्फोडाईएस्टर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। इससे होगा क्या कि ये हमारा एक्सॉन है, ये अब इधर ही रहेगा और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। सो ये हमारा एडिनिन न्यूक्लियोटाइड था यहाँ, ये हमारा 5' एंड था इंट्रॉन का, ये ऐसे कॉइल हो जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे। इसके बाद जो हमारे एक्सॉन्स बच जाएंगे, हमें पता है कि एक एक्सॉन का 3' एंड और दूसरे का 5' एंड एक दूसरे के साथ मिलेंगे, फास्फोडाईएस्टर बॉन्ड बनाएंगे, तो अल्टीमेटली ये दोनों एक्सॉन आपस में मिल जाएंगे और हमारे पास एक्सॉन का सेगमेंट अलहदा हो जाएगा और ये इंट्रॉन का सेगमेंट अलहदा हो जाएगा। इस तरह ये स्प्लाइसिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसके बाद हम स्प्लाइसिंग म्यूटेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस अगर प्रॉपरली ना हो तो आरएनए की प्रॉपर मॉडिफिकेशन नहीं होगी और मॉडिफिकेशन नहीं होगी तो आरएनए के प्रॉपर एक्सॉन्स रिमूव नहीं होंगे जिन्होंने आगे जाकर ट्रांसलेशन करनी है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स म्यूटेटेड होंगे और इस टाइप ऑफ म्यूटेशन को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग म्यूटेशन। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास बीटा थैलेसीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन की बीटा चेन पर म्यूटेशन होती है और इसकी मोस्ट प्राइमरीली काज स्प्लाइसिंग म्यूटेशन है। इसके एडवांटेजेस भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
सो स्प्लाइसिंग की वजह से एक ही हमारे पास जो आरएनए का सेगमेंट होगा, इसमें डिफरेंट तरह की मॉडिफिकेशंस होंगी और उन मॉडिफिकेशंस की वजह से हमारे पास एक प्रोटीन के डिफरेंट फॉर्म्स प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म प्रोड्यूस होंगे जिन्हें हम कहते हैं आइसोफॉर्म्स। सो एक प्रोटीन की हम डाइवर्स फॉर्म प्रोड्यूस कर लेंगे बाय प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन। सो दिस इज इट्स एडवांटेज और इससे रिलेटेड हमने म्यूटेशन भी डिस्कस कर ली, मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो नाउ प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर